रक्त की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। रक्त ऐसा तत्व है जो किसी कारखाने में नहीं बनता, बस एक स्वस्थ शरीर से उत्सर्जित होता है। प्रतिदिन प्रसूति महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त के लिए अत्यधिक आवश्यकता पड़ने से इसके अभाव को भी महसूस किया जा रहा है। रक्तदान करने वालों की संख्या सीमित है, जरूरतमंद की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं जरूरतमंद के परिजनों की जागरूकता की कमी भी है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी देखा जा रहा है। रक्तदान की जागरूकता में वर्षों से कार्य करने वाली संस्था रोटरी क्लब में अब नया बदलाव लागू किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज दिया गया, रक्तदान करना सहज एवं सरल है, लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से पुनः रक्त बनता है, इसी सोच के साथ रोटरी क्लब ने आज शासकीय अस्पताल गाडरवारा में रक्तदान एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। सर्वप्रथम श्री गणेश जी व धन्वंतरी जी का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रोटरी क्लब के माध्यम से सरकारी हॉस्पिटल गाडरवारा में रक्तदान किया है। तो आप जैन समाज से, आपका नाम क्या है? शिशिर जैन। तो आपने कौन सी बार रक्तदान किया है? ये पहली बार किया। और रक्तदान करके आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। और रक्तदान आपने किया है तो आपको जो अनुभव हुआ रक्तदान से, आप गाडरवारा नगर की जनता प्लस जन समाज एवं अन्य समाजों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? मेरे को ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है और जितनी बार भी होगा उतनी बार मैं देने की कोशिश करूँगा। और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित होकर ब्लड डोनेशन करने आए? और अभी आप काफ़ी ज़्यादा संख्या में जैन समाज की महिलाएँ यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने रक्तदान किया है, और रोटरी क्लब के माध्यम से आपको क्या सेवाएं प्रदान की गई यहाँ पर? वो सेवाएं दी गई कि नहीं दी गई? वेलकम हुआ था, सर्टिफिकेट वगैरह दिया है। यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक थी? आपको व्यवस्थित रक्तदान करने में कोई परेशानियां तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी। बहुत अच्छा लगा आपको रक्तदान करके। यहाँ आप जैन, अच्छा जैन परिषद प्लस रोटरी परिवार ने आपको प्रेरित किया है यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ रोटरी क्लब के द्वारा क्या कार्यक्रम हुआ है? आज रोटरी क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उस शिविर में भाग लेने के लिए मैं श्रीमती मिली जैन, अखिल भारतीय जैन महिला परिषद की यशोदा संवाद की शाखा गाडरवारा से हूँ, जिसमें मेरे परिषद की सभी बहनें साथ में हैं। विशेष बात यह है कि हमारे परिषद की आज प्रांतीय चेयरपर्सन, संभागीय अध्यक्ष के साथ शाखा की अध्यक्ष, साथ में मैं शाखा की सचिव हूँ। हम सभी आज रक्तदान देने आए हैं। हम सभी जैन परिषद से हैं। हमारे जैन धर्म में दान का बहुत महत्व बताया है। आज आपकी कास्ट जैन समाज की कितनी महिलाओं ने रक्तदान किया? आज हमने 6 महिलाएं हैं, 7 महिलाएं। आपने फर्स्ट टाइम रक्तदान किया क्या? प्रथम बार। आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। आप नगर गाडरवारा एवं अपने भारतवर्ष में क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान से संबंधित? मैं यही कहना चाहूंगी कि रक्तदान अभयदान में आता है। यदि हमारे थोड़े से रक्तदान से किसी का जीवन बच सकता है, सभी को ये काम करना चाहिए। हमारा ये इसी संदेश देने के लिए हमने ये आज पहला कदम उठाया है। इसमें रोटरी क्लब के द्वारा आपको क्या सेवाएं दी गई? रोटरी क्लब ने हमें काफ़ी उत्साहित बढ़ाया। सर्वप्रथम तो हमें सम्मानित किया आते से ही, उसके बाद पूरी व्यवस्था दी। मतलब आपको प्रेरित रोटरी क्लब के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त हुई कि हमें रक्तदान करना चाहिए? प्रेरणा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो रक्तदान कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा किया गया, उसमें आपने कौन सी बार रक्तदान किया? मैंने पहली बार रक्तदान किया है। और आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप गाडरवारा नगर एवं आप जैन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देती हूँ कि रक्तदान अभयदान है, सबसे बड़ा दान है। सभी लोगों को रक्तदान देना चाहिए जिससे किसी की जिंदगी बच रही है। थोड़े से अपने रक्तदान देने से किसी की अगर जिंदगी बच रही है तो देना चाहिए। रोटरी क्लब के माध्यम से जो रक्तदान कार्यक्रम आज हुआ है गाडरवारा शासकीय अस्पताल में, इससे रोटरी के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई? सबसे पहले हम लोग सबका सम्मान हुआ था उसमें, और कॉफी बिस्किट वगैरह भी दिए रक्तदान देने के बाद। इसमें रोटरी क्लब ने आपको सम्मान पत्र भी पुरस्कृत किया है? सम्मान पत्र। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाडरवारा में शासकीय अस्पताल में जो रोटरी क्लब का रक्तदान जागरूक शिविर लगा, उसमें आपने रक्तदान किया है जी। आपको रक्तदान करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये रक्तदान अभयदान होता है, सबसे बड़ा दान होता है। हमारे छोटे थोड़े थोड़े रक्तदान से अगर हम किसी जीव की रक्षा कर सकते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य जीवन में कुछ भी नहीं है।
और रक्तदान करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? रोटरी क्लब के द्वारा हमको मिला, जैसे ही हमने पढ़ा हमको लगा कि हमें भी उसमें हेल्प करनी चाहिए। रोटरी क्लब के माध्यम से इसमें क्या सेवाएं दी गई? बहुत अच्छे हाथे से वेलकम हुआ, और सबसे अच्छी सेवा कि जब ब्लड दान के करने के बाद आए हैं तो सबने अच्छा जल पान करा। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 सितंबर को